हेलो गाइस, मेरा नाम अक्षिता है और आज मैं आपको टू डिजिट स्क्वायर निकालना बताऊंगी। तो कभी कभार क्या होता है, टेस्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना होता है जल्दी, तो उसके लिए एक चीज़ काम में आएगी, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेट्स से एग्जांपल। तो सबसे पहले हम ले लिखते हैं 22, ठीक है, ले लिया हमने 22। अब 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3। अब 3 कॉलम बनाने के बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 लिख दो। अब 2 × 2 क्या होता है, 4, 4 × 2 क्या होता है, 8 लिख दो। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब सिंपली हम लोग ये जो हमें आंसर्स मिले हैं वो लिख दो, 8, 4, 8, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, तो 3 कॉलम बना लो। अब 3 कॉलम हमने फिर से बना लिया, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 लिख दो। फिर 2 × 3 क्या होता है, 6, और 6 × 2 12 लिख दो। और फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 लिख दो। तो इसमें ना हम लोग को बेसिकली एक ही नंबर आना चाहिए, डिजिट एक ही आना चाहिए, तो हम लोग के इधर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, एज इट इज़ इसको 9 को 9 के इधर लिख देंगे, फिर 2 को ले लेंगे, और फिर 4 + 1 कर देंगे हम लोग, मतलब कैरी कर देंगे उसे। फिर प्लस करने के बाद इधर आ जाएगा 5, तो 529 हमारा आंसर आ गया। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 24 का देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग 3 कॉलम बना रहे थे, फिर से बना लो। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 लिख दो। अब 2 × 4 होता है 8, 8 × 2 16 लिख दो। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, वो भी लिख दो। अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एक ही डिजिट आना चाहिए, इसमें तो हमें दो दो बार आ गया है 2 डिजिट, तो अब हम लोग सिंपली जैसे हमने पहले किया था कैरी करेंगे, वैसे ही इधर 6 लिख देंगे, इसको कैरी कर देंगे, इससे 7 आ जाएगा। अब ये जो 1 है इसे इधर कैरी कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 576। इजी था ना, फॉलो करो और अच्छी ट्रिक्स देखो। थैंक यू।